तो सो ओके मेरे गैस, तो मेरे पर वीडियो पर देखे थे कि स्टेप्स यहाँ पे एक यहाँ पे किसिंग वाले वीडियो को एडिटिंग किया हुआ है। लाइक उस स्टेप्स वन क्लिक के अंदर स्टेप्स से अपने वीडियो को आसानी से आप दो इमेज के साथ अपने वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल टैप से किसिंग वाले स्टेप्स से इंस्टाग्राम पे भी बहुत ट्रेंडिंग में ये रील से चल रहा है। स्टेप्स वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को, अपने इमेजेस को दो यहाँ पे अपने कपल के साथ जो भी इमेज से आप बनाना चाहते हैं, अपने कपल का फोटो इमेज वीडियो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे वन क्लिक में आप इसको एडिट कर सकते हो। तो सिंपली चलते हैं, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले पिक्सेल ऐप्स को इंस्टॉल करना। पिक्सेल ऐप इंस्टॉल होने के बाद अब आप सबको स्क्रीन पे लाइक स्टेप से शो होगा। लाइक आप सबको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सिंपली प्ले स्टोर पे मिल जाने के बाद आप सबको स्टेप्स इंटरफेस खोलने को आप ऊपर पे एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिख जाएगा। लाइक आप सबको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। इमेज का एक साइज दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो इमेज साइज। तो लाइक आप सबको इमेज साइज पर क्लिक करके कस्टम पर टैप करना। उसके बाद आप सबको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल को ऐड कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करके सिंपली इसको है इसको आप सबको डिलीट कर देना। डिलीट के आइकन पर क्लिक करके लाइक इसको डिलीट करना। डिलीट हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे एक कोने में ऑप्शन दिख जाएगा प्लस का। तो आप सबको प्लस पर क्लिक करके लाइक आप सबको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप सबको क्लिक करके अपने इमेज को ऐड करना। मैं अपने इमेज को ऐड करता हूँ। ऐड हो जाने के बाद अपनी इमेज को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना। मैं जिस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूँ सिंपली आप सब उस टाइप से एडजस्ट कर लेना। ये देख सकते हो मैं पूरी तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। लाइक आप सबको फिर से सेम ट्रिक को अप्लाई करना है। प्लस पर क्लिक करके फॉर्म गैलरी पर टैप करना है। फॉर्म गैलरी पर टैप करने के बाद अपने इमेजेस को सेलेक्ट करके लाइक आप सबको अच्छे तरीके से अपने इमेज को फिट करना ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये पूरी तरह से फिट हो रहा है, देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। लाइक इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग फिट करके लाइक आप सबको यहाँ पे इसको शेयर का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप सबको शेयर पर क्लिक करना है। लाइक शेयर पर क्लिक होने के बाद कस्टम को सेलेक्ट करके लाइक आप सबको यहाँ पर अल्ट्रा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड करने के बाद आप सबको यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद तो इतना हो जाने के बाद अब आप सबको ब्राउजर को ओपन करना। ब्राउजर ओपन होने के बाद अब आप सबको यहाँ पे सर्च पर टैप करना। सर्च पर टैप होने के बाद आप सबको सबसे पहले इमेज को सेव करके आप सबको ब्राउजर को ओपन करना। ब्राउजर पर ओपन होने के बाद आप सबको यहाँ पे सर्च करना एच। उसके बाद आप सबको ए सर्च करना है, आई ए। उसके बाद एल यू ओ सर्च करने के बाद आप सबको यहाँ पे हेल यू डॉट ए आई आप सबको सर्च करना। सर्च हो जाने के बाद अब आप सबको जो फर्स्ट पे वेबसाइट आएगा लाइक आप सबको ये वाले वेबसाइट पर आप सबको क्लिक कर देना है। अब आप सबको अपने फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अपने फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक हो जाने के बाद अब आप सबके स्क्रीन पे लाइक इस टाइप से शो होगा। उसके बाद शो हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे अपने यहाँ पे होम पर टैप करना। होम पर टैप हो जाने के बाद आप सबको ईमेल से साइनअप करने को बोलेगा। तो आप सबको ईमेल से साइनअप वगैरह कर लेना। ईमेल से साइनअप हो जाने के बाद अब आप सबको स्क्रीन पर लाइक स्टेप से शो होगा, देखने को मिलेगा। तो मैं ऑलरेडी पूरी तरह से मैं साइनअप कर चुका। तो लाइक आप सबको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ किस स्टेप से इसको यूज करना है। तो अब आप सबको स्टेप से शो हो जाने के बाद मैं यहाँ पे लॉग आउट करके मैं लॉग इन करके मैं आप सबको बता देता हूँ। तो इस स्टेप से शो होने के बाद आप सबको बीच के आइकन पर टैप करना। अपने ईमेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपके फोन में ईमेल रहेंगे वो सारे ईमेल का ऑप्शन दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। कंटिन्यू विथ गूगल का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आप सबको इस पर टैप करने के बाद अपने ईमेल को ऐड करना है। तो जितना ईमेल आपके फ़ोन में रहेगा वो यहाँ पे सारा ईमेल शो कर जाएगा। उसके बाद अब आप सबको अपने ईमेल को ऐड करना। जो ईमेल से आप ऐड करना चाहते हैं सिंपली उस ईमेल को आप सबको ऐड करके इसको साइनअप कर लेना है। साइनअप हो जाने के बाद अब आप सबको फिर से बीच के आइकन पर टैप करके आप सबको यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो से आप सबको इमेज टू वीडियो में आना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे एक फॉर्म गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप सबको अपने गैलरी को सिलेक्ट करके आप सबको अपने वीडियो को अपलोड करना, जो अब अपने फोटो को अपलोड करना जो अभी हम लोग सेव किए हैं पिक्सेल ऐप से सिंपली उस वाले फोटो को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से मैं यहाँ पे आप सबको सामने मैं ऐड करके मैं बता देता हूँ। तो ऐड हो चुका पूरी तरह से। ऐड हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। तो ये इमेज लोड हो जाने के बाद आप सबको यहाँ पे एक टेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सबको जो स्टेप से इमेज को क्रिएट करना है उस स्टेप से आप सबको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं किसिंग लिखता हूँ। आप सबको इस स्टेप से लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे किसिंग लिखता हूँ। उसके बाद ईच अदर आप सबको लिख देना है। लिखने के बाद अब आप सबको यहाँ पे 30 क्रेडिट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप सबको इस पर टैप करना है। इस पर टैप हो जाने के बाद आप सबको जितना आपके अकाउंट में रहेगा क्रेडिट वो इस उससे 30 क्रेडिट कट जाएगा। उसके बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे प्रोसेस में लगा हुआ, कंटिन्यू में ये पूरी तरह से लगा हुआ। तो आप सबको लाइक आप सबको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। तो मेरे यहाँ पे देख सकते हो मैं एक पहले से मैं कर चुका, उसके बाद ये प्रोसेस में लगा हुआ। तो आप सबको यहाँ पे ये पूरी तरह से प्रोसेस हो जाने के बाद इस टाइप से वीडियो क्रिएट हो जाएगा। इस टाइप से वीडियो क्रिएट होने के बाद अब आप सबको अपने वीडियो पर टैप करना है। अपने वीडियो पर टैप होने के बाद
आपके स्क्रीन पे स्टेप से शो करेगा। उसके बाद स्टेप से ये पूरी तरह से वीडियो मेरा जनरेट हो चुका है। उसके बाद हो जाने के बाद आप सबको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप सबको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड पर क्लिक होने के बाद ये वीडियो पूरी तरह से डाउनलोडिंग यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद अब आप सबको आना है अदर ऐप्स पे, तो मैं इंसर्ट को यूज करता हूँ। तो आप सबको जो भी एप्लीकेशन एडिटिंग का, सिंपली उस वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। उस वाले एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आप सबको वीडियो पर क्लिक करके सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना, अपने उस वाले वीडियो को ऐड करके लाइक आप सबको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे अपने टिकटॉक के रेशियो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके अपने बैकग्राउंड को ऐड करना है, यहाँ पे अपने ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। जो भी बैकग्राउंड आप सबको अच्छा लगेगा दिखने में, सिंपली वो आप सबको ऐड करना है। अदरवाइज इसमें लोगो लग जाएगा, तो आप सबको इसको थोड़ा सा ट्रिम वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद ट्रिम वगैरह हो जाने के बाद इसमें कोई चीज़ आप लिखना चाहते हो तो अदरवाइज आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आप सबको ऊपर पे अच्छे तरीके से फिट कर देना है। फिट होने के बाद आपको अप्लाई टू ऑल यहाँ पे उन्हें लास्ट तक कर देना। उसके बाद राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना। म्यूजिक वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप सब यहाँ पे ऑडियो पर टैप करके म्यूजिक को सिलेक्ट करके अपने यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप म्यूजिक ऐड नहीं करना चाहते ना ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप सबको इसमें लोगो मिल जाएगा, तो आप सबको कट पर टैप करना, फिर रिमूव पर टैप करना है। ये ऑटोमेटिक ये इसका वाटर मार्क है जो ये पूरी तरह से हट जाएगा। उसके बाद हट जाने के बाद इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट यहाँ पे पूरी तरह से करने के लिए ऊपर पे एक्सपोर्ट का आइकन दिखेगा। उसके बाद अपने रेशियो को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज जितना में आप इसको सेव करना चाहते हो उतना में सेव कर देना, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा।